इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ये ले नैना, तेरे डिब्बे सारे पैक कर दिए हैं, अब तू जाके इसको डिलीवर करके आ। अरे बच्चा, कब तक घर में ऐसे बैठी रहेगी? हैं, बाहर तो जाना ही होगा ना। मेरा बच्चा देख नैना, अब बहुत से कस्टमर्स की कंप्लेंट आने लगी है कि उनको डिलीवरी टाइम पे नहीं मिलती। ओ, तेरा जमा जमाया बिजनेस है, क्यों कर बैठ के बर्बाद कर रही है तू? बीजी, अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। वो दिन कुछ और ही थे, सब कुछ अच्छा लगता था। हां जी खन्ना साहब, नैना कौर है ना, कोई गल नहीं, तुसी थोड़ा अदरक थोड़ा पनीर ओदे विच अजवाइन पा देना। बिल्कुल, हां जी हां जी। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना थानू? हाँ जी हाँ जी, थोड़ा ऑयल कट पाना। हेलो 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 कन्ना साहब, हाँ जी मैं गल कर रही थी। तो उन सारे ना मिक्स करके ना, बिल्कुल ऑयल थोड़ा कट पाना की। हेलो, हाँ जी मैं तुम्हें कॉल कर दिया। ओए हेलो, ओए इथे आ, इथे 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 आ। ये क्या नाटक लगा रहे हैं? चुप कर जा तू यहाँ से। आंखें है ना जिसमें मोटा मोटा काजल लगा रखा है, किसी और को जाके दिखाइयो। मुझे वैसे का आज तो निकल जा रही है, बोल रही समझ नहीं आ रहा। तमन्ना तमन्ना, एक बात सुनो तमन्ना, तमन्ना एक मिनट, तमन्ना तमन्ना लिसन, एक मिनट। सॉरी 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 सॉरी, गलती हमारी है।
एक्चुअली हम सब यहाँ प्ले की रिहर्सल कर रहे थे। तो प्ले ना मैंने भी बहुत किए हैं, ऐसे नाटक नहीं करती मैं। झगड़ा कर रही है। आई सेड ना आई एम सॉरी। वैसे नाटक करते कहाँ हैं आप? वो जो पीछे वाली गली है ना 27 नंबर, वहाँ एक पुराना धर्मशाला है, हम सब रिहर्सल वही करते हैं। वैसे कल हमारा प्ले है, अभी आइए ना। ट्राई करूंगी। थैंक यू एंड आई एम सॉरी अगेन। ओके चल। पराठे दे देते सारी जगह। हाँ ठीक है, यहाँ पे दे दे। ओके नमस्ते। चलो दूसरी दुकान में पराठे। हाँ, मैं करता हूं। जब तक मैं लेने जाती हूँ चेक। बहुत दिन हो गए ना चेक नहीं हुए। ओके कितने चक्कर लगा लिए पता नहीं यार। आज तो चेक मिल जाना चाहिए। हाँ मिल जाना चाहिए। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक है बढ़िया। तू पराठे दे जब तक मैं चेक लेके आती हूँ। ठीक है ठीक। पराठे शर्मा जी किथे नहीं है? ओ नहीं का क्या मतलब हुआ है? थोड़ी देर वेट कर लो, आ जाएंगे। और कितना वेट करूं? पहले शर्मा जी का वेट करूं, फिर अपने चेक का वेट करूं? हैं? 3 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरा चेक नहीं दिया उन्होंने। तो थोड़े दिन और वेट कर लो। अच्छा जब पराठे खाते हो तब तो वेट नहीं होता तुमसे, तब तो फटाफट खा जाते हो। है अब मैं वेट करूं? ये जो तूने और शर्मा जी ने इतनी सेहत बना रखी है ना, ये मेरे यहाँ के पराठे खा के बना रखी है, समझ में आई तेरी? इतने अच्छे पराठे नहीं है तुम्हारे, और पैसे भी ज्यादा लेती हो। क्या क्या बोला तूने? तूने क्या बोला? तूने नैना कौर के पराठे के बारे में कहा? हाँ कहा तो। मेरे हाथ के पराठे स्वाद नहीं होते हैं? तुझे पता है कितनी मेहनत लगती है पराठे बनाने में? कितनी 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 मेहनत लगती है? कितनी कितनी क्या कर रही है? तुझे पता है पहले सुबह सुबह उठो, फिर आलू उबालो, प्याज काटो, नमक डालो, मिर्च डालो, प्याज काटो, उसमें हरा धनिया डालना पड़ता है, नमक डालो, मिर्च डालो, इतनी सारी चीजें होती है ये। यहाँ पे मेरी बात सुन, तू काम क्यों करती है? मैं तो हमेशा ये मेकअप लगाते हुए देखती हूँ तुझे। बताओ शर्मा जी को क्या काम करती है तुम्हारे साथ? बता दे बता दे, मैं डरती नहीं हूँ। बेटा कोई कोई फायदा नहीं है मेकअप लगाने का, तू वो भैंजी है ना, भैंजी लगेगी। मुझे कह रही हूँ क्या कर रही हूँ? अपनी शक्ल देख। ओ चुईया ओ चुईया, चुप कर, अपनी शक्ल देखिए। मेरा चेक मुझे चुप, मुझे मेरा चेक चाहिए। आई डिड इट, मुझे क्या कर लेगी? तू होती कौन है? शर्मा को फोन कर, उसे बोल मेरा चेक
नमस्ते शर्मा जी, मेरा चेक चेकअप पुष्पम को मिल जाएगा, लेकिन आप इनसे कैसे बात कर रहे हैं? सॉरी सर। और कल तक का जितना भी हिसाब है मुझे बना कर दीजिएगा। जी मैं देती हूँ। आप प्लीज बैठिएगा, चाय पानी कुछ तो लीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, पराठों की डिलीवरी करानी है, मैं चलती हूँ। तो शाम को आप किसी को भेज दीजिएगा, मैं चेक रेडी कर दूंगा। नमस्ते। जी करता है करे जी चार से, जो ठान लिया हमने मन ही मन में, मुझे पता चढ़ना है चट्टान पे, अगर तेरा होगा साथ कुछ भी कर ले। तुमने स्पेशली बोला था लाने के लिए। भाई मैं जा रही हूँ। कितने बजे की ट्रेन है? ट्रेन तो दोपहर की है, पर नॉर्थ कैंपस जाना है, पहले थोड़ा काम है। ठीक है चल। क्या ठीक है, तू कब आ रहा है अलवर? एक मिनट गायत्री, यहाँ पर इतना सारा काम है। कभी मम्मी पापा से मिलने आ जा, याद नहीं आती तुझे उनकी? दो चार महीने में पक्का। कितना टाइम हो गया तुझे अलवर आए हुए? इस बार पक्का। कहा ना। हेलो, हाय, की हाल चाल? फाइन थैंक यू। वो किथे? कौन? वही जिसने इतना स्यापा पाया हुआ था उस दिन। तमन्ना? जो भी है, नैना कौर को ना गुस्सा नहीं आता, वेले ही गुस्सा दिला दिया उसने मुझे। सॉरी उस दिन के लिए। कोई नहीं, वैसे मैंने ना खालसा कॉलेज में पढ़े नाटक शाटक किए। वैसे थिएटर आर्टिस्ट तू भी बुरा नहीं है, देखा तेरा प्ले उस दिन, बढ़िया था। थैंक यू। वैसे अगर आप चाहें तो आप भी हमारा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। मैं? ठीक है, करना क्या होगा? बस आपको डिसिप्लिन्ड होना होगा और आपकी कमिटमेंट चाहिए। डन। वैसे बैकस्टेज भी बहुत काम होता है, बैकस्टेज भी हेल्प करनी पड़ेगी। दैट्स विवियन। हाय। आज स्टेज मैनेजर। हमेशा रोता रहता है। अबे अब वो फराज। हाय। और वो दानिश। हाय। हाय। और बाकी ये एक्टर्स नए प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं। और मैं गायत्री, मौलिक की सिस्टर। हेलो। हाय। वैसे तुम्हारी रिहर्सल कब होती है?
इवनिंग में और वीकेंड्स में मॉर्निंग में, पर आप कभी भी आ सकती हैं। अच्छा वैसे ना कल आने का ट्राई करती हूँ मैं। मैं थिएटर तो ज्वाइन कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? आप लोगों को ना मेरे हाथ के पराठे खाने पड़ेंगे। गोभी का पराठा, मूली का पराठा, पनीर का पराठा, दाल वाले पराठे, सारे अलग अलग टाइप के पराठे, वो भी नैना कौर दे तड़के दे नाल। तो ठीक है, तू कौन सा खाएगा? सारे खाऊंगा। सारे खाएगा? ठीक है फिर, कल सबके लिए ना पराठे लेके आती हूँ यहाँ पे मैं। ओके चलो चलो, बाय 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 बाय। अब मैं समझी तो क्यों नहीं आ रहा अलवर, ऐसी लड़कियां मिलने आएंगी तो कौन आएगा बहन से मिलने, माँ बाप से मिलने? अब तो भी शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तू आएगा ना? पक्का पक्का पक्का, कहा ना, ध्यान रख अपना। ओके तू भी ध्यान से जा। धीरे गाइस, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, थोड़ा थोड़ा और, ठीक है। अच्छा विवेन, ध्यान रखना, स्टेज नहीं टूटना चाहिए। ओके ओके। तमन्ना, कितने मास्क बन गए? यार 3 मास्क बन चुके हैं। बाकी सब? बाकी आज बन जाएंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? और ये क्या बनाया तुमने? यार मैं एक्टर हूँ और तुम मुझसे क्या काम करा रहे हो? देखो तमन्ना, थिएटर में सब कुछ करना पड़ता है। ओके आप दिखाइए। हाय हाय, अच्छा हुआ तुम आ गई, आज बहुत काम है। मतलब आते ही तूने मुझे काम पे लगा दिया? या वो तो ऐसे होता है नैना। कोई नहीं, दसो क्या करना है? एक काम करो, तुम तमन्ना के साथ लग जाओ, बहुत सारी मास्क बनानी है। तमन्ना? हाँ तमन्ना। ठीक है, मैं अपना काम कर सकती हूँ। तमन्ना, नैना तुम्हारी हेल्प करेगी तो तुम्हारा ही काम जल्दी होगा ना। अच्छा ठीक है, जैसा मैं बोलूंगी इसे वैसे ही करना होगा। ओ जी, जैसा आप लोग बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस मेरे हाथ के पराठे खाओ। मौलिक सुन। हाँ बोल। तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए यार। एक मिनट आया। अच्छा सुन, ये पराठे तो खिला दे सबको। पराज। दसो जी, हुन की करने मैंने। मेरे पराठे। डेट मिली क्या? क्या हुआ? एक साल तक ऑडिटोरियम खाली नहीं है। क्या? पूरी दिल्ली का यही हाल है। इन ऑडिटोरियम वालों ने गवर्नमेंट से ये जगह ये बोल के ली थी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलावा यहाँ सब कुछ होता है। मतलब? बड़ी बड़ी कंपनीज के सेमिनार होते हैं यहाँ और CA की क्लासेस भी चलती है यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं? सुबह सुबह आ जाना कभी, पता चल जाएगा। जो टाइम थिएटर वालों को रिहर्सल के चाहिए होता है ना, वहाँ ये सब होता है। तो कहीं और ट्राई कर लेते हैं। बाकी जगह भी यही हिसाब है। कोई जगह तो होगी। लोधी रोड ट्राई कर सकते हैं। वहां चले क्या? ठीक है चलो चलो। चेक एंड मेट। हो गई तेरी गेम खत्म, बात कर ले अब। सॉरी नैना, बोल। मैंने ना तेरी थिएटर कंपनी की बैलेंस शीट चेक की थी। पिछले 2 साल में तूने इतने सारे शोज किए और अकाउंट इतना वीक। नैना, मानता हूँ कि इस वक्त थोड़ी सिचुएशन खराब है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात और, वो जो लोधी रोड वाला ऑडिटोरियम है वहाँ सिर्फ हम एक दिन का शो करेंगे। हम 4 महीने उस प्ले पे मेहनत करेंगे और शो सिर्फ एक दिन का। नैना, मैंने उस प्ले पर बहुत मेहनत की है, एटलीस्ट एक शो तो हो जाए। मौलिक, मैंने ना वो तेरा प्ले पढ़ा है, वो ना बहुत बढ़िया है, उसके तो कम से कम 6-7 शोज होने चाहिए। इतना इजी नहीं है नैना, बहुत बजट चाहिए उसके लिए। मैं किसी ऑर्गेनाइजर से बात करूं? किससे? है एक मिस्टर सलूजा। कहीं ये वही सलूजा तो नहीं जो हर साल मंडी हाउस में थिएटर का बहुत बड़ा फेस्टिवल करता है? हाँ वही मिस्टर सलूजा, अगर उसके फेस्टिवल में तेरा एक शो हो जाए तो। इज दैट पॉसिबल? ट्राई करके देखते, क्या पता बात बन जाए। ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ओके। फिर मैं मीटिंग अरेंज कराने का ट्राई करती हूँ परसों। थैंक्स नैना।
छूट जानी हो, रुको। ये कौन सा राग बजा रहे हो? हाँ, ओ किसी की मैयत पे आयो मोयो? अस सुरीली की शादी है, रिमझिम कौर की बेटी की शादी है, ओ ऐसा राग गाओगे उसकी शादी पर? अब मेरा मुंह मत देखो, कोई अच्छी सी धुन बजाओ। ओ अब तू क्यों बैंगन की तरह मुंह लटकाए खड़ा है? भूख लगी है मैडम। भूख लगी है? ओ सुबह से नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया क्या? सुबह सुबह बुला लिया। लो कर लो बात। और ये भी सब मरे मरे खड़े हुए हैं, क्या हुआ सबको? किसी ने भी खाना नहीं खाया। हाय हाय बेड़ा गर्क। और सब लोग सुबह से भूखे बैठे हो हैं? और पहले क्यों नहीं बताया? सुबह से हम लोग धुनी बना रहे, कल सुरीली दीदी की शादी है। और सो तो ठीक है, पर भूखे पेट तो उनके ऐसे निकलेगी हैं? अच्छा सुन, पीछे परौंठे वाली गली है ना, वहाँ से जाके परौंठे लेके आ, चल जा फटाफट कर। मुझे रबड़ी पराठा चाहिए। क्या रबड़ी पराठा? रबड़ी परौंठा? हट मोया रुड़ गया, खुवानी है मैं तेन रबड़ी वाले परौंठे। चलो अब अच्छी सी धुन निकालो। ठीक है। आप लोग वहाँ बैठो, वो अभी परौंठे लेके आ रहा है। देखो 15 मिनट में नाश्ता खत्म करना है। चलो मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? तुसे जल्दी चलो यार। पिछली गली विच वो धर्मशाला है ना, उत्थे रिहर्सल होंदी है। ओए नैना। हाँ जी। उस ग्रुप में कितने सारे लोग हैं? काफी सारे लोग हैं। इसका मतलब है हर एज ग्रुप के होंगे? ज्यादातर तो वैसे यंग ही हैं। और तो मैं भी तो यंग ही हूँ। बात तो सही है। और कॉलेज टाइम पे मैंने भी बहुत थिएटर किया है। तो क्या, पापा जी को पता चला, उन्होंने मेरा कॉलेज भी छुड़वा दिया और थिएटर भी छूट गया। भाई गॉड, पिछले 40 सालों से मैं तरस रही हूँ किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करने को। तो बीजी यही वाला थिएटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते आप? वैसे आइडिया तेरा बुरा नहीं है। लो हुन तां पै गया स्यापा। एल है हूँ इस स्यापे वाली कड़ी गल है? ए व्याह करा के अपने घर चली जाएगी तो तू अपने काम विच बिजी रहनी है, हैं? इतने मैंने कली ने भी तो कोई अपना शौक पूरा कर लेन देना। वो सुरीली का व्याह तो करा लो पहले। ओ मेरी सुरीली बच्ची का व्याह तो हो रहा है, देखते सारी शॉपिंग हो गई है, व्याह हो रहा है, तू चिल रख चिल रख। मैं तो चिल ही हाँ। भाई देखो तुम जो मर्जी कहो, मैंने सोच लिया है कि मैं थिएटर ज्वाइन करूँगी और कल ही करूँगी। मेरी मस्ती क्या लगी? मैं जरा उधर जाके बैंड वालों को देखूं, पता नहीं मोए की कर रहे ने, मस्ती मार रहे होंगे। शाम नू मैं सदर बाजार भी जाना है। विवियन, अगले हफ्ते रिहर्सल में दानिश की जरूरत पड़ेगी, उसे बोल कि ऑफिस से लीव ले ले। सब लोग रिहर्सल में होंगे तो अच्छा होगा। विवियन, हम अपने अगले प्ले का सेट ऐसा बनाए तो? आ बैठ। तो तू ये थिएटर ग्रुप छोड़ना चाहता है? यार मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तेरी फैमिली नहीं चाहती कि तू थिएटर करे। यार उन्हें लगता है कि ये बस मेरी एक हॉबी है और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उनका डेली फोन आता है नासिक वापस आ जाओ।
मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में ही हैं। जब भी मिलते हैं ना मुझसे, बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरे पैशन का। बहुत बहुत डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट है यार। जो लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते ना, वो इसी तरह डिस्करेज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। डिसाइड तुझे करना है कि तुझे अपना करियर खुद चूज करना है क्या लोगों के हिसाब से चलना है। मैं थक गया हूं यार। अभी से थक गया, अभी तो प्रॉब्लम शुरू ही है, आगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। थिएटर का सिंपल रूल है मेरे दोस्त, द शो मस्ट गो ऑन। चल कल सुबह तक हमारा स्टेज मैनेजर विवियन मुझे बैक स्टेज चाहिए फुल एनर्जी के साथ, ओके? और कल ऑडिटोरियम भी तो देखना है हमें। शायद यही है। मौलिक कोई आया? जरा देख। अच्छा, मैंने प्रॉप्स की और उसके लिए मौलिक है। हाँ, अभी मीटिंग चल रही है, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। और ये लाइट्स। अच्छा, मैं इंतजार कर दी है। शाम तो हो जाएगा यार, तो टेंशन मत ले। यार मौलिक, मुझे लगता है नॉर्थ कैंपस बेटर ऑप्शन है, वहाँ ज़्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए। और कॉलेजेस के जो ड्रामसॉक के प्रेसिडेंट है उनसे बात कर देते हैं। ओके, और कॉलेजेस में पोस्टर्स भी लगाने चाहिए यार। वैसे 5-6 कॉलेजेस में तो मैं पोस्टर लगवा दूंगा। कौन से? GMC, मिरिंडा हाउस, कमला नेहरू, कारगी कॉलेज और एलएसआर। सारे सारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं। तो काम कर रहे हो ना? अभी सारे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। सॉरी पराज, पूरा नॉर्थ कैंपस तू देखेगा। पूरा नॉर्थ कैंपस? जी। कितने दिन लगेंगे? चार दिन लग जाएंगे। 4 दिन क्यों? तो 2 दिन में पूरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 दिन। चल ठीक है। दानिश, मैं कोशिश करता हूँ ना कंपनीज में पोस्टर लगवाने के लिए। इनफैक्ट कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है काफी इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, तो काफी पब्लिसिटी हो जानी चाहिए। ठीक है, गेम्स खेलना बंद करो और कॉलेज में फोन करो। हाँ करता हूँ। फराज, और ये लाइट्स का क्वेश्चन। ठीक है, सेट डिजाइन। हेलो, प्रॉप्स पे। ओ चलो ओए, तुसी शुरू कर दियो, शुरू करो। ठीक है। ओ चलियो, बैंड बाजे के साथ पब्लिसिटी शुरू करनी चाहिए। और जब नया काम करो तो थोड़ा शोर शराबा तो होना चाहिए ना। और ट्विटर विच की आग लगी है, और ट्विटर यूज करो ना, फिर देखो कैसे पब्लिसिटी मिलती है। हाँ, और फेसबुक, और फेसबुक पे फैन अकाउंट खोलो ना अपना, और फिर देखो लोग किवें आंदे ने तुहाडा शो वेखण नूं। पढ़े लिखे तो हो ना, वो अपना लिंक्डइन अकाउंट खोल लो। और मुझे देखो, शादी का बैंड है मेरा, सारा बिजनेस करती हूँ ऑनलाइन फेसबुक से। और यूं काम होता है, यूं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और रुड़ गयो, अपडेटेड रखा करो अपने आप को। हाय हाय, तुम लोगों का हाल देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया पागल। और जा मेरे लिए पानी का गिलास लेके आ। पानी? और पानी मांगा है भाई। एक मिनट लाता हूँ। आप में से मौलिक कौन है? ये मौलिक। जी, मैं। अच्छा, तू मौलिक है? नैना से तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, उसने बताया कि तुम थिएटर ग्रुप चलाते हो। जी। भाई, मैं भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ। आपको कोई थिएटर का एक्सपीरियंस है? ओ जी, कॉलेज टाइम तक बहुत थिएटर किया है, और सच पूछो तो सिर्फ थिएटर ही किया है। लेकिन अगर तुम ऑडिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आपको ऑडिशन देने की कोई जरूरत नहीं, आपका ऑडिशन तो हो गया। वैसे आप एनर्जी बहुत है। सो तो है, सारा बिजनेस खुद संभालती हूँ। वैसे थिएटर के लिए भी मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। तो ठीक है, आप कल से हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। सच्ची? ओ इस खुशी दे मौके दे बजाओ ना कोई जंगी जी, तूने बजाओ बजाओ। मुझे लग नहीं रहा भाई साहब। ओ काके, बोल दिया ना तेरे को, जितना तेरे को बोला है ना उतना किया कर बस तू। पर वो तो भाई साहब, अबे ओ
जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना तो बीच में मत काटा करें। बोलो भाई साहब। ये है शो बिजनेस। नाश्ता। ये क्या लेके आया भाई? तेरे को कचौड़ी लेकर आने को बोला था ना, फिर तू समोसे लेके आ गया। सॉरी सर। चार दिन हुए इसे नौकरी पे रखे हुए, अंग्रेजी झाड़ रहा मेरे पे। आ गया सर, चल। इस तरह है, जब तक तू बॉम्बे से हीरोइने नहीं बुलाएगा, उनके आइटम नंबर नहीं कराएगा, तब तक तेरे शो नहीं हिट होंगे। कोई फायदा नहीं होगा भाई साहब। दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी सब जगह शो कराएंगे, उनके पूरे आइटम नंबर फिट कराएंगे, उसके बाद तू देखियो किस तरह पैसा बरसेगा। आपको लगता है? अरे कह दिया ना तेरे को। तू टेंशन ना ले, तेरा काम हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ। लिस्ट लेकर आई होगा। लिस्ट कौन सी? अबे यार, कौन सी हीरोइन को बुलाना है, किसके आइटम नंबर करवाने, कौन बताएगा? अच्छा चल जा जा। और जी सलोचा जी। आओ जी आओ जी, सत श्री अकाल, जय माता दी। की हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया जी, तुसी सुनाओ। बहुत बढ़िया। आओ जी आओ जी। और नैना जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। और बीजी कैसी हैं? बहुत बढ़िया। आजकल तो बीजी चांदनी चौक जनरल सेक्रेटरी है। थैंक यू जी, थैंक यू। बीजी नु कौन है? साडा भी कोई फेस्टिवल करा चांदनी चौक। ओ जरूर जरूर, कहंदी गल है। ऐ जनाब कौन है? ओ हाँ, ये ना मौलिक है, थोड़ी नाल गल हुई सी ना फोन पे। हेलो सर। भाई ना तो बड़ा चंगा है तेरा, मतलब क्या होता मौलिक का? जी अनमोल। अनमोल है तू। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? सलूजा जी, मौलिक ना एक थिएटर आर्टिस्ट है और इसने ना काफी थिएटर किया है। सर पिछले 6 साल से मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा हूँ। और उससे पहले? और उससे पहले अलवर में थोड़ा बहुत थिएटर किया है सर। ओ यार, अलवर का ना कलाकंद खाया था मैंने एक बारी, मजा आ गया था। सर वहाँ की कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं। खान पीन भी नॉलेज है मुंडे नु। सलूजा जी, आपके ना फेस्टिवल के बारे में बहुत सुना है, अगर आप मौलिक की थोड़ी हेल्प कर देते तो। कैसी हेल्प? सर आपका फेस्टिवल बहुत बड़ा है सर, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है सर, वहाँ पे काफ़ी ऑडियंस भी आती है सर, अगर आपके फेस्टिवल में मेरा एक प्ले हो जाए सर, मुझे बहुत फ़ायदा होगा सर। तेरा तो फायदा हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? ओ सलूजा जी, घुंटा बीजी जनरल सेक्रेटरी चांदनी चौक, फायदा फायदा है, तोड़ी तो शो कराने हैं। ये आपने ठीक बात करी, करा देते लड़के का प्ले फिर एक आध। सलूजा जी, मौलिक के नाटक ना बहुत पसंद आते हैं लोगों को, और आपको दिल्ली थिएटर में पहचान भी मिल जाएगी। गल इस तरह नाना जी, पहचान तो हमारी दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव सब जगह बहुत है, थोड़े ना टिकट बिकने चाहिए, पैसा वैसा आना चाहिए। बिक जाएंगे सलूजा जी, मैं गारंटी लेती हूँ जी। इस अनमोल की मैडम गारंटी ले रही है तेरी, कुछ काम वाम करेगा कि नहीं ऐसी? सर बस आपके फेस्टिवल में एक चांस बस। ला समोसा खाएगा, जलेबी? नो थैंक यू, एसिडिटी हो जाती है। जरा नैना जी थोड़े ना प्राइवेट कुछ गल करनी सी। थैंक यू सर। लड़का काम तो कर लेगा, कुछ नहीं करेगा जी? बहुत चंगा काम कर लेगा। पर आपको ना वो चांदनी चौक फेस्टिवल में एक हमारा। ओ जरूर जरूर जी, तुसी टेंशन ना लो। बस बस बस, समोसा खाएंगे आप? नहीं 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 जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू जी, थैंक यू। ओए नैना, ओए की होया? और नीचे रसोई से दूध सड़ गया, हूँ मैं गैस बंद करके आई हूँ, और ये कपड़े यहाँ पड़े हैं, इसको सूखने भी नहीं डाला, ओ क्या हो गया तेरे को? ओ मैं तेरे नाल गल करती पई हूँ। कुत्ता, कमीना, कंजर, टीट, सोफा ऐ दे। और केरी शक्ति आ गई तेरे तेरे। ओ कंजर मुंह खन्ना, कॉन्ट्रैक्ट लगे मेरे पैसे खिला के। हाय हाय, नहीं ले गया तेरी जान दे, तेरा की जानदा पिया ना ए दे पराठे चंगे है, ना ए टाइम ते डिलीवरी करदा है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ?
तेरा काम चल रहा है ना? जब देखो ये परांठे, ये बिजनेस, ये मसाले, अचार, क्या कर रही है तू अपनी जिंदगी के साथ? तू रिहर्सल पे जाया कर। नहीं जाना मुझे रिहर्सल पे। नुक्कड़ नाटक पे चले गए अकेले अकेले चंडीगढ़, मुझे यही अकेला छोड़ गए। ओए नैना, ओए जुमा जुमा चार दिन हुए हैं तेरे को ये थिएटर ज्वाइन किए हुए, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो जहाँ जाए तेरे को साथ लेके जाए। ये क्या मतलब हुआ भाई? उसका काम उसने करना है, तेरा काम तू अपना कर। जब देखो उबलती रहती है बस, तू जा रही असल पर। ठीक है, चली जाऊंगी रिहर्सल पे। पर बात कर रही है के पत्थर मार रही है? बोला ना चली जाऊंगी। मेरे को तो भूख लग रही है, मैं तो चली नीचे कुछ खाने को। और हाँ, ये जो गोलगप्पे की तरह गाल फुला रखी है ना, इनको थोड़ा कम कर, नहीं तो गोलू मोलू गोल मुटोल लग रही है। क्या कहा? गोलगप्पा। गोलगप्पा हाँ बोल। मोटी? मैं गोल मुटोल? तू मोटी? नैना मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। ओ की हो गया? ओ देखना कितना काम पड़ा है करने को और बंदा कोई भी नहीं है। ओ तुसी टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। हेलो, ओ काम के अपने आप हो जाएगा, को बंदा भी तो चाहिए करने के लिए। अब देखना ये कार्ड और लड्डू बांटने हैं, हैं? वो जो खाने वालों को बोला था ना मैंने, उन मरों का अभी तक कोई हता पता नहीं है। अभी शादी की शॉपिंग बाकी है, शादी से पहले जो हलवाई बिठाने हैं उन पर नजर रखने के लिए कोई बंदा चाहिए। ओए रब्बा मैं क्या करूं? थिएटर ग्रुप से लोगों को बुला लो, तुझे लगता है वो मान जाएंगे? मौलिक, दानिश, विवियन और फरहाज तो पक्का आ जाएंगे। अगर ये बात हो सके तो बहुत अच्छा है, तू सबको बुला ले। अरे ठीक से करना, क्या कर रही है? अच्छा सुन, तू थोड़ी सी कलौंजी लेके आना नीचे से। हाँ हाँ, आम का अचार। अरे मौलिक वो पकड़ा ना। तूने मुझे आम का अचार बनाने के लिए बुलाया क्या? पहले फटाफट मेरी हेल्प कर। क्या करूं? बैठ तो सही। ठीक है बैठ गया, ले इसे खोल। अचार शायद अचार में नमक कम है, मतलब नमक कम होने से अचार शायद खराब हो सकता है। लड़का तो होशियार है। थैंक यू। मतलब थिएटर के अलावा भी काफी काम कर लेता है। थोड़े बहुत कमाते हैं। अच्छा एक बात बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है या ऐसे ही वेले घूमता रहता है? थिएटर से जब फुर्सत मिलेगी ना तब बना लूंगा। वैसे ज्यादातर मैंने तुझे बंदों के साथ ही घूमते देखा है, कहीं तो। अरे नो नो, आई एम परफेक्टली नॉर्मल। और तेरा कोई बॉयफ्रेंड? बहुत बॉयफ्रेंड बनाए यार, पर सारे के सारे निकम्मे निकले, एक भी ढंग का नहीं मिला। अच्छा, कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए तुझे? कुछ स्पेशल होना चाहिए यार, कोई तड़का फड़का होना चाहिए। मतलब? तू नहीं समझेगा। और तू, तुझे किसी गर्लफ्रेंड चाहिए? कुछ तड़की फड़की। लड़का तो तू वाकई में होशियार है। डाल। मौलिक तू ना मुझे मारने वाला है। क्यों? वो ना मैंने तुझे सुरीली की शादी का कार्ड देने के लिए बुलाया है। वैसे तो मुझे खुद इनवाइट करने आना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, इतना सारा काम है, क्या करूं। तुझे लगेगा कि मैंने बदतमीजी की है, लेकिन लड़की तो तू है बदतमीज।
कुछ नहीं। तूने क्या कहा? कुछ अचार डाल। चल चल चल। मौलिक। अचार देख बहुत काम है, काट भी देने, भरती रहे चल। हे भगवान, अब इतनी महंगी मटर मंगवाई है फिर भी क्या करें, पता नहीं क्या उठा ले है। अरे इसको देखो, ऐसे लगता है जैसे सोते सोते लड्डू बना रही है। देखो मैंने कितने प्यारे प्यारे लड्डू बनाए हैं। अरे भैया जी, आप ट्रांजिस्टर सुन रहे हैं, पूरी की तरफ ध्यान दो ना, देखो कैसे पपड़ी जैसी पूरी आ रही है। अरे अच्छी फूली फूली पूरी बनाओ ना। तेल कम है तो घी और डालिए ना। खत्म हो गया, खत्म। घी खत्म हो गया? एलो वेड़े आई जान तभी नौकरी देखान। अरे घी खत्म हुआ तो पहले बताना चाहिए था ना। अब मैं घी किसे? ओ फराज, फराज। हाँ आंटी। ओ फराज कितने जा रहे हैं? थोड़ा काम से बाहर जाना था आंटी। ओ पहले मेरा काम कर दे। क्या काम? ये थोड़ा सामान लाना था बाहर से। फिर मैं शाम तक करूँगा। शाम तक? हाँ। और घी उनको अभी चाहिए यार, ऐसा भी तेरा कौन सा जरूरी काम आ गया? आंटी मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। मूवी देखने जा रहा है? हाँ जी। कौन सी स्पेशल मूवी आ गई तेरी? मेरी फेवरेट एक्टर विद्या बालन की फिल्म है ये, कहानी। एलो शाम तक 3-4 कहानियां तक तेरे को मैं सुना दूंगी। चल तू पहले मेरा काम कर। आंटी पता है बहुत सही सस्पेंस है इस फिल्म में, एंड तक कुछ पता ही नहीं चलता। प्लीज जाने दो ना अभी। जा दफा हो। और सुन सुन। हाँ आंटी। और पिक्चर का नाम क्या बताया? कहानी। कहानी? हाँ जी। हाँ अच्छा सस्पेंस है उसमें। और पता है एंड तक कुछ पता ही नहीं लग पाता, और बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म आई है। बताओ क्या एंड में ना? हाँ। विद्या बालन उसको मार देती है, ये सस्पेंस है। क्या काम है बताइए? ऐ की थी ना कल निकाल, ऐ फड़ पैसे ते ऐ लिस्ट, जाके संभाल ले मेरा बच्चा, मेरा गुच्चू पुच्चू बच्चा, जा। काम करते करते थक गया ना, मैं नहीं आ रहा।
It's time to party, shiny. So both the bottle bigger. What do you think? What do you think? It's time to party, shiny. So both the bottle bigger. What do you think? It's time to party, shiny. So both the bottle bigger. What do you think? It's time to party, shiny. थोड़ा देना वो अचार देना। अभी कितना अचार खाएगा यार? तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे को क्या प्रॉब्लम है? ले खा ले। Hey Malik। Hey Vivian। Hey Vivian। यार कौन कौन से पराठे लाए यार? तेरा पराठा आ रहा है गोभी के? यार पराठे देखकर ही मजा आ गया। मक्खन कहाँ है यार? एक जेब में क्या कर रहा मक्खन? थोड़ा और है, मुंह पे लगा रहा था। और जी कैसे लगे नैना कौरदे हद्दे परांठे? मजा आ गया, चंगे लगे ना। और कुछ चाहिए? पराठा पार्टी चल रही है। लो बीजी भी आ गई। और फिर फराज ओए अपनी डियर डार्लिंग विद्या बालन की मूवी देख आया है ना? तैनू ठंड पै गई है ना? हां जी ठंड पै गई। और शुक्र है मौलिक। तेरा लेटर आया है। लेटर? सलूजा का लेटर। सलूजा का लेटर? क्या लिखा है मौलिक? अरे शो की डेट फिक्स हो गई है। क्या बात कर रहा है यार? यस डेट के 27 मार्च बहुत थिएटर है। Yes. Yes. Hey, वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्र है, मजा आ गया। पर उसमें तो सिर्फ 3 महीने बचे हैं यार। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यारो। ओए और मेहनत तो कौन करता है, आपा दिन रात एक कर देंगे और बाकी सब पार्टियों का बैंड बजा के रख देंगे हम। विवेक तो बाकी सबको रिहर्सल टाइम के बारे में बता दी। ओके ठीक है, तो कल से रिहर्सल शुरू। ऑलराइट गाइस, एकदम सॉलिड वाली रिहर्सल होनी चाहिए। चलो ऊपर चलो। अच्छा यार ये मैंने सामान रख दिया यहाँ, इसे ऊपर तुम ले जाना, मुझे रिहर्सल के लिए निकलना है। क्या संडे वाले दिन भी रिहर्सल? सब्जी लेकर भी मैं आऊँ, ऊपर भी मैं लेके जाऊँ, इलेक्ट्रिशियन का काम भी मैं कराऊँ, प्लम्बर का काम भी मैं कराऊँ, मेज भी नहीं है 2 दिन से। दानिश तुम घर के लिए कुछ करते हो कि नहीं? हद है, इतना सारा गुस्सा। तो नहीं तो क्या, मुझे फीवर भी था ना कल? यार फीवर परसों था। था लेकिन 99 था, उसके बाद तुमने पूछा क्या हुआ? हद हो गई है तुम्हारी। अरे यार शो की डेट्स फाइनल हो गई है, अब तो वीकेंड पे भी रिहर्सल होंगी। बहुत अच्छी बात है यार, थिएटर के लिए कितनी कमिटमेंट चाहिए पता है? एक एक कैरेक्टर को कितना कनेक्शन के साथ निकालना पड़ता है। और टीवी की तरफ कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए? अभी ऐसे मत बोलो यार। फिर कैसे बोलूं? इतना गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा तुम्हें मेरा ख्याल भी होने लगा? यार तुम्हारा ख्याल नहीं होगा तो और किसका ख्याल होगा बताओ? अब तुम रोमांटिक भी हो रहे हो। वाह, ऐसा कुछ नहीं है यार। फिर कैसे है यार? एक सेकंड। हाँ, पूरा दिन तुम्हारा फोन बजता रहता है, मुझे दो बताओ। हाँ, किसका फोन आ रहा है? मेरी बात कराओ। हाँ, कौन है? मौलिक 2 मिनट यार, 2 मिनट बस, मैं निकल गया। तो मेरी बात कराओ मौलिक। मौलिक पूरा दिन थिएटर जाना पड़ेगा यार। जाओ गो, जाओ जाओ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम ना ये एप्पल खा लो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है ना मुझे एप्पल पसंद नहीं है। अच्छा तो ये ऑरेंज खा लो यार, ये ऑरेंज खा लेना, इसमें विटामिन डी बहुत मिलेगा। विटामिन सी? अच्छा वहाँ विटामिन सी। और वो कैल्शियम टेबलेट्स वो फ्रिज पे रखी हैं, वो पक्का ले लेना, डॉक्टर ने बोला था 1000 mg। अच्छा तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। ब्रेन नहीं बोन्स, उफ। ओ हाँ हाँ बोन्स। वैसे ये सब तुम्हें कैसे मालूम? गूगल किया है मैंने। गूगल? कभी अपने आप को भी गूगल कर लो, गूगल किया था। मैं चलता हूँ यार। अच्छा सुनो तुम ना ये कुछ कैश रख लो, शाम को मॉल में कुछ शॉपिंग वॉपिंग। ATM कार्ड निकालो तुम अपना, निकालो निकालो। अच्छा अच्छा इसका पासवर्ड तो तुम्हें पता ही? पता है। अच्छा सुनो कैश भी दे दो, ला लो कैश भी दे दो, निकालो निकालो अब जाओ। और सुनो लव यू। मतलब कार्ड मिला तो लव यू क्या?
ना सफियों पर लेकर आओ और इलेक्ट्रिशियन को बोलो आके काम करे और गार्ड को बोलो प्लंबर का काम कराएगा। दो दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं बोल के मेरी माँ बस यार बाय 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 सी यू। अरे गार्ड भैया। हाँ जी सुनो यार। अरे तुम फटाफट पहले प्लंबर भेजो 104 नंबर में। जी मेरी वाट लगी हुई है यार, जल्दी करो। हाँ सबसे पहले यही काम करो। हाँ ठीक है साहब। चार महीने हो गए तू किराया नहीं देता, हुण की देगा? वो तो जगह खाली कर बस। देखिए हमारा बहुत बड़ा प्ले होने वाला है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं की करा? बस आप ही जगह खाली मत करवाइए। वो दिमाग खराब हो गया तेरा? ओ यार मैं अपनी वोटी ले बूटी पार्लर बनाना यार, और तू जगह खाली कर, टेंट पूरी चाक दे निकल इथो। ओ मौलिक ये ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एथे ताना ब्यूटी पार्लर ही होना चाहिए। ओ मैनिक्योर पेडिक्योर बॉडी स्पा बॉडी मसाज सब ऐसे होना चाहिए है ना? ओ जी इस चिड़िया घर में ना बस आप ही समझदार हो। थैंक यू जी। ओ तुसी बैठो ना, बैठो। हां जी हां जी। सर जी तुसी नाराज ना होया करो, आराम नाल बैठो जी। बैठो बैठो तुसी। ओए तुसी हॉलीवुड फिल्म देखी है? हॉलीवुड आ की है? इंग्लिश फिल्म। इंग्लिश फिल्म? ओ अच्छा 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 सन्नी लियोनी वाली बहुत देखी है जी। बड़े कवि ने तुसी बड़े कवि ने मेंशन नोट जी। हाय आ की है? ओए फ्रेंच लुक। फ्रेंच लुक साइड तो ओए होए साइड से तो बिल्कुल इटालियन है जी, बिल्कुल इटालियन है ना। ओ जी केड़ी केड़ी साइड तो जी? ओ दोनों साइड। ओ मौलिक हमें अपने प्ले में ऐसा ही बंदा चाहिए था ना, फ्रेंच लुक वाला। हाँ ओए तू वहां क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा है वो बंदा हमें मिल गया है और हमारे सामने बैठा है। अच्छा अच्छा। अगर ना आप हमारे प्ले में ये मेन रोल कर लेंगे, हाय रब्बा मजा ही आ जाना है, सच्ची बोल रही हूँ। ओ जी ये प्ले की डेट कब है? 27 मार्च। ओए मैंनू ये जगह खाली चाहिए। ओ जी 28 मार्च नू। हाँ जी जरूर, थोड़ी वॉटी द ब्यूटी पार्लर भी तो बनना है ते। ओ जी मैं रिहर्सल पे कब से आऊं? 15 दिन बाद आ जाओ। हनी लेट। ओए इतना बड़ा स्टार परफॉर्म करेगा तो कोई तैयारियां भी तो करनी पड़ेंगी कि नहीं, क्यों मौलिक है ना? ओ जी मेरे डायलॉग मुझे कब मिलेंगे? आपको पता है एक अच्छा एक्टर ना बिना बोले सब कुछ बोल देता है। ओ विवियन तू भी कुछ बोलना। हाँ हाँ। अरे जिसका मेन रोल है ना उसके डायलॉग ही नहीं है, बिना बोले सब कुछ बोलना है। ओ बिल्कुल सॉलिड परफॉर्मेंस होगा ये तो, एकदम सॉलिड। ओ जी मैं ना हुणे मम्मी नु दस गया ना कि मम्मी तोड़ा मुंडा एक्टर बन गया। जाओ 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 जाओ। वाह यार मुझे पता ही नहीं मेरी फ्रेंड्स लोग के बारे में। वाह मजा आ गया। बड़ा आया सन्नी लियोनी दा पुत्र, खिच खिच मार मारा है दे मुते। 15 दिन बाद जब वापस आएगा तब क्या करोगे? अरे तू टेंशन ना ले, नैना कौर है ना सब मैनेज हो जाएगा, तू ना बस रिहर्सल की तैयारी शुरू कर जल्दी से। मौलिक बहुत नींद आ रही है यार। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? आठ नाम बता चुकी हूँ यार, अब बहुत नींद आ रही है, सोने दे। तो आठ और सोच ले। एट मोर कम ऑन यार, 3 घंटे हो गए यार। और 36 टाइटल सजेस्ट कर चुके हैं प्ले के लिए। देखो गाइस प्ले का नाम डिफरेंट होना चाहिए और स्टोरी के हिसाब से फिट तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई नाम चूज कर लेंगे। तू सोना बंद कर यार और सोच कुछ। यार मैं सोच तो रहा हूँ। हाँ ठीक है तू सोता रहे और सोचता रहे। मौलिक मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे? कुछ खा के आता हूँ यार। इतनी रात को? बहुत भूख लगी यार। इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा यार। पीछे के गली में पराठे मिल जाएंगे। ठीक है
जल्दी खा के आ जा। गली में पराठे? गली में पराठे? तुझे क्या हुआ? पराठे वाली गली? मतलब? तेरे प्ले का नाम पराठे वाली गली। तेरे प्ले के सारे कैरेक्टर पराठे वाली गली से हैं। तो प्ले का नाम क्या होना चाहिए? पराठे वाली गली। तेरे नाटक की ओपनिंग और एंडिंग भी पराठे वाली गली से है। नाम तो अच्छा है, लेकिन ओए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तेरी लाइफ इजी कर दी मैंने। क्या दिमाग है मेरा, है ना? वॉच इट गाइस, ठीक है? आई गेट डन। अब ना तो बारिश होती है और ना ही खिड़की पर बैठने का मन होता है। आप थोड़ा खुश रहिए ना। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। अरे बाबा, कहा है ना कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। आपकी वो पहले वाली हंसी कहाँ गई? नहीं 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 दानिश, तेरा इस सीन में इस कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है ये बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। क्या ये तेरी मदर है या फिर कोई रिलेटिव है या फिर तुम इनसे कहीं मिले थे? हर एक लाइन का एक हिडन इमोशन होता है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ यार। और हाँ, सब टेक्स्ट को समझना ज़रूरी होता है। वो क्या है? हर एक लाइन का एक हिडन मीनिंग होता है, वो जानना ज़रूरी है। पॉज लेना सीखो, टाइम लाइन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सब जानना ज़रूरी है। ओके यार, इतना ज्ञान मुझे बचपन में मिला होता ना, मैं अब तक सुपरस्टार बन गया होता। सुपरस्टार नारकली, चल बे। इसे क्या हो गया? मी नागपुर ची नारकली, मी फूल बिकते, पन तुम्ही सागले फूल, मनन तुम्हाला नाही बिकते। कैसा है? मेकअप तो ठीक है, परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बेसिक में गड़बड़ है। हाँ क्या? अगर ये तुम्हारा कैरेक्टर महाराष्ट्रन है तो तुमने ये सारी गुजराती स्टाइल में क्यों पहनी है? यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, इन शॉर्ट कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए उसकी फिजियोलॉजिकल डिटेल्स, सोशियोलॉजिकल डिटेल्स, साइकोलॉजिकल डिटेल्स, ये तीनों जानना जरूरी है। ओके यार, करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट थोड़ी धीरे धीरे जलती है। मौलिक, इसके दिमाग की ट्यूबलाइट ना फ्यूज ज्यादा रहती है, काम कम करती है। अबे तुझे क्या जरूरत थी बोलने की? ओके ओके ठीक है, मैं सदर बाजार जाके आता हूं, तुम दोनों रिहर्सल करना। ओके ठीक से करना। विवियन लेट्स गो। चल ठीक है। ये ड्रेस मैं रख दे। जाने मन, तू तो नाराज हो गई, मारूंगा तुझे। भाई फिर शुरू हो गए। लगन पे लेना। हाय मौलिक। नॉट बैड यार, जगह तो अच्छी है। ढूंढी किसने? कल भी जसविंदर का फोन आया था,
एक महीने में वो भी जगह खाली करनी है। ओए तू टेंशन ना ले। बाकी सब कहाँ है? मौलिक वो फरहास का फोन आया था, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। और दानिश और विवियन? दानिश ना गुड़गांवा में फंसा हुआ है, 2-3 घंटे लग जाएंगे उसे आने में, बड़ा जाम पड़ा है, और विवियन का तो फोन ही नहीं मिल रहा। मतलब मुझे यहाँ बुला के सब गायब है। तो मैं तो हूँ। अच्छा सर, सॉरी। बोल, तू बोल। यार मौलिक, तेनू ना सॉरी बोलना था। किस लिए? यार मैंने तेरा थिएटर ग्रुप ना नाटक करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। फिर? मैंने सोचा तेरा थिएटर ग्रुप है तो तू शो भी करेगा, तू शो करेगा तो ऑडियंस भी आएगी, और ऑडियंस को ना मैं अपने हाथ के पराठे खिलाऊंगी और मेरा पराठे का बिजनेस बढ़ जाएगा। तू अमृतसर की है ना? हाँ, तो अमृतसर के लोग होते हैं। ओए अब ऐसी भी नहीं हूँ मैं, मैंने भी ना अपने खालसा कॉलेज में बड़ा थिएटर किया है। पर तेनू पता है थिएटर ना एक बहाना होता था, हम तो थिएटर के बहाने क्लासेस बंक करके पिक्चर देखने भाग जाते थे, बड़ा मजा आता था। वैसे अब अच्छा लगने लगे थिएटर, पर सिर्फ बैकस्टेज काम करना अच्छा लगता है। अच्छा, और जब तू रिहर्सल्स कर रहा होता है ना तो मतलब जब तू रिहर्सल्स कर रहा होता है ना और एक्टर्स पे चीखता चिल्लाता है ना तो बड़ा मजा आता है। जब मैं चीखता चिल्लाता हूँ तो अच्छा लगता हूँ? हाँ अब लगता है तो लगता है। जैसे तेरे अंदर ये कीड़ा है ना थिएटर का, वैसे मेरे अंदर भी कीड़ा है पराठे बनाने और पराठे खिलाने का। और जब मेरी दुकान होगी ना पराठे वाली गली में, तू ना उत्थे आके रिहर्सल्स कर सकता है। थैंक यू, पर कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस? अब मान ले कल को मैं बीमार पड़ जाऊं या मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो थोड़े ना मैं अपनी दुकान बंद करूंगी। ऐसे में ना तू आ जाइयो मेरी दुकान पे और वहां आके लोगों को पराठे खिलाने शुरू कर दियो, तेरी रिहर्सल्स भी हो जाएंगी और लोग वहां पराठे भी खा लेंगे। जैसे तू कहता है ना शो मस्ट गो ऑन, वैसे दुकान भी तो ऑन ही रहनी चाहिए, है ना सॉलिड आइडिया? मतलब अगर मेरा थिएटर ग्रुप नहीं चला तो तेरी दुकान में मेरी नौकरी पक्की। तू मेरी दुकान में नौकरी क्यों करेगा? नैना की दुकान मतलब तेरी दुकान। अच्छा, नैना कौर तो आप ऐसी ही है। एक बात बता, तूने ही दानिश और विवियन को मना किया था ना यहाँ ना आने के लिए? I'm not afraid to die.
मौलिक, मैंने ना तुझसे कुछ बात करनी थी। आजकल ना मेरा कहीं दिल नहीं लगता, दिन रात बस तेरे बारे में सोचती रहती हूँ। तू तो मेरा फेसबुक पेज है यार, दिल करते सुबह उठ के तेरा एक बार लॉगिन कर ला, फिर लॉग आउट ही ना करा। मेरा दिल बस एक हो गल ट्वीट करता है, मैं और तू रोमियो जूलियट की तरह। रह गया स्यापा। नहीं यार मौलिक, तेने पता है मैं और तू हम दोनों क्या कर रही है यार नैना। मौलिक तेनू पता है हम दोनों में ना काफी कुछ कॉमन है। मौलिक आई लव यू मौलिक। तो अमिताभ बच्चन बनेगा या कुछ और बनेगा? किसी का यार। हाँ यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ यार अपनी जगह ये ठीक है, आ जाए इधर बैठते हैं भैया। साइड देना प्लीज, छोड़ो। तीन पराठे बना दो, बढ़िए। और हाँ लस्सी भेज देना। हाँ लस्सी भी, लस्सी सब के लिए। यार तुम लोग और सुनो यार, मेरी कंपनी वाले बोलते हैं तू ये जो प्ले कर रहा है उसमें पेड़ बनाए के बंदर बनाए। यार बंदर तो तू ऑलरेडी है, तेरी कंपनी वालों ने पहचाना ही तेरे को। साले मारूंगा तुझे। यार ये एक शो हो जाए, उसके बाद दो चार शो और, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं बोर हो गया इस नौकरी से यार, उसके बाद फुल टाइम मौलिक का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा 100%। गाइस हाय मौलिक, हाय हाय। दानिश प्ले के लास्ट के सीन में ना तेरा बहुत कम बाकी है। यार मैंने तो बहुत प्लानिंग कर रखी है प्ले की, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्ले करूंगा। मेरा पहला शो है यार। तू इतना समझदार कब से हो गया? साले तेरे से ज्यादा समझदार हूँ। अबे ओ अबे दिख रहा है कितना समझदार है। विपिन हाँ प्ले के दिन ना बैकस्टेज बहुत सारे लोग लगेंगे, हो जाएगा एक दो शो हो जाए और उसके बाद दो चार शो और। मैं सोच रहा हूँ मॉम डैड को अलवर से बुला लूँ, वो भी एक दो शो देख लेंगे। यार मैं ये शो बहुत अच्छा करने वाला हूँ, बहुत प्रेशर है मेरे पे। तुझ पे प्रेशर होगा ही यार, तू प्रेशर कुकर है। दानिश छोड़ ना बेचारे को, चल चल तू खा, तू खा। छाते लगी हुई है, अपने आप नाल चलिया वांगू गल्ला करी जानी है। ए सारी बातें तू उसको मौलिक को क्यों नहीं बोलती जाके? नहीं दीदी। क्यों? वो बुरा मान गया तो? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, बल्कि वो भी तुम्हें लाइक करता है, ये बात तो लिख के रख ले। ऐसा कुछ नहीं है। ओए मैं फालतू बात नहीं करती, जो बात करती हूँ सॉलिड करती हूँ। तू ये सब बातें जाके उससे बोलेगी बस। पीछे आज उसका शो है ना, तो वो अपने प्ले में बिजी होगा,
और तो प्ले के बाद बोल देना। अच्छा सोचूंगी। सोचना नहीं, कहना है। नहीं बोल। हाँ 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 ये हुई ना बात। तो फिर डन रहा, आज शाम को तू जाके मालिक से कहे कि तू ही उसके मन की मालिका है। अच्छा हूं जाओ तुसी। चलिए गल सुन, आज शामी ना तू वही वाला सूट पहनेगी, वो जो तूने नई शर्ट से पिछले महीने खरीदा था ना, उस पर तू बहुत छोनी छोनी लगती है, बहुत पाली पाली लगती है मेरे बच्चा। काले काले जामुन ले लो, काले काले जामुन ले लो। हाय हाय पीड़ा कर, छी कौन कंजर गंद पाके गए थे, सवेरे सवेरे पीड़ा कर को गया, ये की करा हूँ, पै गया स्यापा। मालिक सारा सामान है ना, ठीक है। हाय कैसी लग रही हो? टैग तो निकाल दे। ऐथे भी स्यापा, ऐथे भी स्यापा। मैंने ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, तेरा ये शो ना बहुत अच्छा होगा। थैंक्स नैना, तूने बहुत हेल्प की है। मालिक हम ये सामान ट्रक में लोड करते हैं, दानिश हमारा वहीं वेट कर रहा है। ठीक है। क्या चीज़ है? सब ले लिया ना? हाँ हाँ। मालिक मैंने ना तुझसे कुछ बात करनी थी। बोल। वो शो के बाद बात करेंगे। अगर कोई जरूरी बात है तो अभी कर सकते हैं? नहीं, शो के बाद बात करेंगे। ठीक है। अच्छा सुन, तू बहुत अच्छी लग रही है। मालिक बहुत ट्रैफिक जाम है, क्या करें? अभी आए, मैं अभी आया। बीजी, मौलिक ने उस शो के लिए बहुत मेहनत की थी। हम सब लोग उस शो के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उस दिन ना तो वो शो हुआ, ना ही उस दिन के बाद मौलिक ने किसी से बात की। बीजी, मुझे नहीं पता था ऐसा सब कुछ हो जाएगा। देख नैना, कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो हो जाती हैं पुत्र, पर अगर कुछ हो भी गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इमोशनल होकर घर में बैठ जाएं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तू मेरा एक काम कर, तू विवियन, दानिश और फराज को बुला ले, मैंने उनसे कुछ बात करनी है। मौलिक के पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, हम उसको कैसे वेस्ट जाने देंगे? अरे हम सब हैं उसके साथ, हम उसको दोबारा खड़ा करेंगे। अरे हम तो थिएटर में उसके नाम के चड्डे गाड़ दिया गए। हाँ देखना तुम। पीछी। हाँ मेरा बच्चा। ठीक है ठीक है। और अभी बाकी रहता है ना तो, और दो से अभी एडवांस आना बाकी है, उनकी डेट मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हुई। देखते हैं क्या हो सकता है। उस दिन मैं गया था उससे मिलने,
उठ के चला गया। और कुंदन तू अपना वो फेवरेट गाना सुना दे। हाँ जी, ये लो मैडम। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। और जुड़ गए तो अड़ी हालत भी ना इस गाने वर्गी हुई पई है, कैसे मुंह लटकाए बैठे हो। देखो इस बार हम अपने शो की ऐसी पब्लिसिटी करेंगे कि हमारे 10 शो भी हो ना तो हाउस फुल जाएंगे, और मैं तो सारे चांदनी चौक ने इकट्ठा कर देंगी, लोगों ने टिकट मिलनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे होगा। आय हाय, अब तेरे पे क्या पहाड़ टूट पड़ा है, पैदा हुए नहीं और लगे बुड्ढों जैसी बातें करने। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, आप हो कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। कितनी बार तुम लोगों के मुंह से सुन चुकी हूँ मौलिक को डिप्रेशन है। ओए ये जो थिएटर है ना, ये मौलिक की लाइफ का रोमांस है, और उसके रोमांस को हमने वापस लाना है। जब उसकी लाइफ में रोमांस वापस आ जाएगा तो हमारी लाइफ में भी रोमांस वापस आ जाएगा। इतना आसान ही तो नहीं है। क्या रोमांस? मौलिक को थिएटर में वापस लाना। मजाक कर रही हैं। अब ये बताओ कि हमें करना क्या है। मौलिक किसी की सुनने को तैयार तो है नहीं, उससे मिलने गए थे। मैं भी कहता हूँ। चलना अच्छा काम किया तूने। ये बुक्स रह गई हैं, इन्हें भी फाड़ दे, ये पोस्टर्स भी फाड़ दे, और तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तू तो बहुत वीक निकला यार। हमारी गलती ये है कि हमने तेरे साथ थिएटर खूब ज्वाइन किया। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की थी ना तूने, जयपुर में, अहमदाबाद में, कानपुर में, पता नहीं कहां कहां शोज करने वाले थे। क्या हुआ उन शोज का, उस प्लानिंग का? हमारा थिएटर ग्रुप खत्म होता जा रहा है मौलिक। इस थिएटर में आने के बाद कुछ और करने का मन नहीं करता यार, पर तेरी एनर्जी को देखकर ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मौलिक याद है ना तूने मुझसे क्या कहा था, शो मस्ट गो ऑन। क्या हुआ उन बातों का, उस प्लानिंग का? मैं थक गया। तुम सब जाओ यहां से प्लीज। तू थक नहीं सकता यार, तुझे जानता हूं मैं, तू तो हमारी इंस्पिरेशन है यार, तू ही तो लेके आया यार हमें थिएटर में, और थिएटर में तुझे वापस तो आना ही होगा। मौलिक वही प्ले हम फिर से कर रहे हैं आईटी ऑडिटोरियम में, और इस बार ये प्ले जरूर होगा। मैं थिएटर छोड़ चुका हूं। तुझे आना होगा मौलिक, थिएटर के लिए आना होगा। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई देखो, ये जबरदस्ती से तो कुछ हो नहीं सकता। बात ये है कि हम सबको मिलके मौलिक को अपने उस सपने का एहसास करवाना होगा जो उसने अपनी लाइफ में देखा है, और उसके लिए उसे थिएटर में आके रिहर्सल करना जरूरी है। कौन लाएगा? मौलिक को मैं लाऊंगी रिहर्सल में वापस। ये हुई ना बात, और अगर वो रिहर्सल में आ जाता है तो हो सकता विवियन का आइडिया भी काम कर जाए। करेगा, वो आइडिया काम करेगा। तो फिर डन रहा, हम सब लोग परसों मौलिक को मिलते हैं। और फराज रुड़ गया, वो किताब पैड़ी जी पढ़नी बंद कर दे। ओकी ओ लड़कियां पटाने के सौन उसके। मैंने कब पढ़ी ये किताबें? आय हाय, ते कौन सी पढ़ता है, लड़के पटाने की क्या? क्या क्या पढ़ता है रे तू?
मौलिक। कैसा है? तू तो भूल गया यार। तेरे 2 मिनट ले सकती हूँ? ये कुछ बुक्स आई है, मैं एनएसट गई थी वहां से मिली, और इनमें से ये बुक नाट्य शास्त्र पर आई है। सॉरी मौलिक, मेरी वजह से ये सब हुआ। मुझे तुझे सलूजा से मिलवाना ही नहीं चाहिए था। तेरी गलती नहीं है नैना, मेरा थिएटर किसी काम का नहीं। थोड़ा इमोशनल हो गया था, प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना। आज के जमाने में सीरियस क्रीज और सोशल इश्यूज पर ड्रामा कहाँ देखता है। नहीं मौलिक, ऐसा नहीं है। हम सबको तेरा थिएटर बहुत पसंद है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें तेरे जैसा थिएटर देखना पसंद है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और कभी ना कभी तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। मैं अलवर वापस चला जाऊंगा, नहीं मौलिक अभी नहीं। अभी तो तुझे प्रूफ करना है, वरना सलूजा जैसे लोग आगे बढ़ जाएंगे। और तूने कहा था ना थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, तो होना प्रैक्टिकल, कर अपने आप को प्रूफ। ये शो फिर से होगा मौलिक, और इस बार वो ऑडियंस आएगी जिन्हें मौलिक का थिएटर पसंद है। हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर ये शो करेंगे। बस तू एक बार रिहर्सल्स में आ जा। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता नैना, मैं पहले भी बोल चुका हूं मुझे थिएटर नहीं करना। मौलिक हम सब तुझे बहुत मिस करते, हम सब जब भी मिलते सिर्फ तेरे ही बारे में बात करते। मौलिक हम सब तेरा वेट करेंगे। तेरे बिन हो न सकेगा गुजारा, मिल भी गए तो भी तय है किनारा, न दूरी न नजदीकी, न दूरी न नजदीकी। अगर तुझसे जो
सुबह अंधेरी रातों के बाद की पहली फजल मिनट रह गए शो स्टार्ट होने में और काफी सारी ऑडियंस आई है। मैं तेरी कॉस्ट्यूम्स लेके आती हूं। वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाना मुझे। Where's वैष्णो देवी? वैष्णो देवी अपना जय माता दी। Oh, you mean temple on the hills? Absolutely जी। I do wanna go there. Sir, Who's he? बोल। Hello sir. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बोल। Sir, thank you so much. इस opportunity के लिए। कौन सी opportunity? इस festival में मेरा play लाने के लिए sir. ओ काका, तेरा दिमाग खराब हो गया? किसने कहा तुझे तू प्ले कर रहा है? मतलब? 2 महीने हो गए तेरे नाटक के टिकट बेचते हुए, नहीं बिकती, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है, कोई इस तरीके का प्ले नहीं देखता। सर, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब प्ले नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा। ये देख, जानता है इसको? Hey. मुंबई से आया है, सेक्स कॉमेडी करता है। 4 दिन पहले फोन आया था इसका, कहता था सर आपके फेस्टिवल में ना एक प्ले करना है। मैंने कहा आजा भाई, तेरा रिस्पांस भी देख लेते हैं। 4 दिन में हाउसफुल हो गया इसका। सर, 8 बजने में से 2 घंटे रह गए, मेरी पूरी टीम रेडी है सर। हमने 6 महीने से बहुत मेहनत की है सर। तो गोद में लेके खिलाऊं तुम्हें? समझ में नहीं आती तुम्हें कल मेरी? सर, मेरा प्ले एक सोशल इश्यू पर है सर, बहुत ही अच्छा प्ले सर। तो ऐसा है, सोशलाइज करो थोड़ा जाके, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें। देखिए सर, थिएटर एक बहुत ही अच्छा मीडियम है सोशल अवेयरनेस लाने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल इश्यू डिस्कस करने के लिए सर। एक काम कर, अपने प्ले में ना थोड़ी सेक्स कॉमेडी डाल दे तू, और फिर जितने भी तेरे सोशल इश्यूज है ना मैं डिस्कस करूंगा। बोल, करेगा? थिएटर कोई आइटम नंबर नहीं है सर, जिसमें बिजनेस एंगल डाल के उसे बेच दो। यार तू जोकर है क्या?
अगर है ना तो रियल लाइफ में जोकर वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती। सर सर प्लीज सर, मेरी पूरी टीम रेडी है सर, एक चांस तो दीजिए सर। फिर शुरू हो गया ये तो। सुनो जिस तरीके का थिएटर तू कर रहा है ना, इससे तू कुछ अखबारों में बंद होकर रह जाएगा। एक आध अखबार में तेरा फोटो आ जाएगा, लोग तेरे बारे में चार अच्छी बातें लिख देंगे, और हाँ थोड़े दिन बाद तेरे को ना संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड दे दिया जाएगा। एक अवार्ड सेरेमनी होगी, तुझे शॉल पहनाएंगे, उसके बाद ओके टाटा बाय बाय। उस अवार्ड का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं? वो अवार्ड जिनको मिला है कहाँ पे आजकल, कौन जानता है उनको? आज एक बंदा जिसने कभी थिएटर नहीं किया ना, वो भी थोड़ा सा मसाला डालकर ना अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। टेक्निकली स्ट्रांग होना अच्छी बात है, अपनी मैनेजमेंट साइड को भी स्ट्रांग कर, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी थिएटर की दुकान को एक डब्बे में बंद करके साइड में तेरे को रखना पड़ जाएगा। सजी आपका पानी। सजी क्या हो गया, वो जयराम जी भी आए हुए हैं? उनको बिठाओ बिठाओ, बोलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तू ध्यान से मेरी बात सुन, कमर्शियल एंगल लाना बहुत जरूरी है। ये स्क्रिप्ट प्लेस करना, सोशल इश्यूज के ऊपर नाटक करना, ऑडियंस को मस्ती चाहिए, मस्ती मस्ती यहाँ से आती है। सर आप मेरे पुराने रिव्यूज पढ़िए, मेरे पुराने प्लेस के रिव्यूज, प्रेस ने मेरे बारे में, मेरे प्लेस के बारे में बहुत ही अच्छे लगे सर। आप प्लीज सर एक चांस दीजिए सर। आपको हीरो क्यों समझने लग गया? दो चार बातें प्रेस में अपने बारे में कोई भी दो चार पैसे देकर लिखवा सकता है। एनीबडी कैन डू दैट। प्लीज सर एक चांस चाहिए सर। एक चांस चल 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 यहाँ से प्लीज सर, चल एक बार यहाँ से। किसके लिए कर रहा हूं? बाहर जो ऑडियंस बैठी है ना, सिनेमा की तरह थिएटर में भी उन्हें आइटम नंबर चाहिए जो मैं नहीं दे पाऊंगा। बाहर सभी सलू जाए जो मेरा थिएटर देखना कभी पसंद नहीं करेंगे। बाहर 100 सलूजा बैठे हैं तो 40 मौलिक भी हैं जिन्हें तेरे जैसा थिएटर पसंद है। मौलिक तेरे जैसे लोग बहुत कम हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो वो कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं? मौलिक अगर आज तू नहीं उठाना तो तेरे जैसे कितने मौलिक कभी नहीं उठ पाएंगे, और सलूजा जैसे लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज तुझे स्टेज पे जाना होगा मौलिक,
सहमी सहमी सासों को ठहरी ठहरी आंखों को जैसे फिर जीने की कोई वजह मिल गई जैसे घर करने को कोई जगह मिल गई हो की राहों पे मोड़ बड़े सारे टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजरो
छिपा भागा, रोशनी की उंगलियों को थाम चलू, किरणों की चांदी हो गई, खुशियों की आंधी हो गई, डाली पे कोशिशों